प्रदेश का पहला मॉडर्न क्वारंटाइन सेंटर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल सूरजकुंड में स्थापित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों पर इस सेंटर को तैयार किया गया है, जिसमें दो लोगों के बीच की पर्याप्त दूरी, अलग अलग शौचालय, सभी के लिए अलग अलग बाल्टी मग, पौष्टिक भोजन और प्रतिदिन चिकित्सकीय परीक्षण की व्यवस्था की गई है। जिसके संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि सूरजकुंड के सरस्वती शिशु मंदिर को विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुरूप क्वारंटाइन सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है। ये प्रदेश का पहला मॉडर्न क्वारंटाइन सेंटर होगा। इसमें जरूरत की सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। सेंटर में 100 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल अभी यहां 8 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, सर ये जो WHO की गाइडलाइन है और भारत सरकार की गाइडलाइन हमें मिली हैं समय समय पे, तो एक आइसोलेशन सेंटर और एक क्वारंटाइन सेंटर किस तरीके का होना चाहिए, सैनिटाइजेशन किट में क्या होना चाहिए, सैनिटेशन किट में क्या होना चाहिए, दो जो विजिटर्स हैं उनके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, लिविंग स्पेस कितना होना चाहिए, ओपन एरिया कितना होना चाहिए, मेडिकल चेकअप के रूम के लिए क्या फैसिलिटी होनी चाहिए और वहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये सारी तमाम ऐसी बातें हैं जो WHO ने अपनी गाइडलाइन दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइन दी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी गाइडलाइंस को अपने में इनकॉर्पोरेट करते हुए एक ऐसा क्वारंटाइन सेंटर बनाएं जो एक मॉडल के रूप में पेश हो। इसी क्रम में सरस्वती शिशु मंदिर है जो सूरजकुंड पे है, वहाँ पे हमने इसके लिए काम किया है, मॉडल क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए कार्य किया है। तो उसमें हमने सबको सैनिटेशन किट दी है और जिस तरीके की जो लिविंग स्पेस और मेडिकल चेकअप रूम जितने भी फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटी हम दे रहे हैं। और प्रदेश का ये पहला मॉडल क्वारंटाइन सेंटर होगा जहाँ पे हम लगभग 150 से 200 लोगों को भी रुकवा सकते हैं अगर लॉकडाउन बढ़ता है या फिर कोई बाहर से लोग आते हैं। इनफैक्ट कोई हमारे ऑफिशियल्स को भी क्वारंटाइन करना पड़ता है आइसोलेशन में, तो उनको भी वहाँ पर रुकवाया जा सकता है और एक मॉडर्न तरीके से एक मॉडल के रूप में इसको पेश किया जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो मॉडल क्वारंटाइन सेंटर है इसकी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, अब हमारे फेसबुक पेज पे भी हमने दिया है, आज हम देंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हम उस पर दे रहे हैं। तो एक तरीके से इसको प्रदेश के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। सर कुछ लोग हैं पहले से उसमें? हाँ, अभी उसमें 5 लोग रह रहे हैं और 5 लोगों, कुछ लोगों का जैसे काम हो सकता है, 2 लोगों का कार्य 14 दिन का जो टेन्योर है वो परसों पूरा हो रहा है, तो हो सकता है 14 दिन के बाद उनको रिलीज़ करना है। उसके बाद और लोग भी आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जो खासकर शहर के जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं उसको उसी आइसोलेशन सेंटर में रखेंगे और जिस तरीके से और भी जैसे बताएंगे प्रशासन सरकार जो भी आगे कदम उठाती है उसी तर्ज पे उसको उस तरीके से विकसित किया जाएगा।